So what is the difference between transformation, transduction and conjugation? Blah blah blah, मैं बहुत सारा कंफ्यूजन. यस ऑफ कोर्स होगा. सो बैक्टीरिया की बात करते हैं. बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. कोई अलग से स्ट्रक्चर्स नहीं है, इवन ऑर्गेनली नहीं है सेल के अंदर. इट्स जस्ट अ सिंगल सिंपल सेल, ठीक है. अब यहाँ पे ट्रिक हो जाता है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिए इन बैक्टीरिया बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है. पहली बात तो बैक्टीरिया गोज फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखता बैक्टीरिया में. देर इज नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हेन देर इज नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ट्रू वर्ड पे इतना ज्यादा एम्फेसिस क्यों है? ट्रू इसलिए क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास दो पेरेंट, नहीं तो एक पेरेंट भी होगा तो चलेगा, लेकिन दो गेमीट्स होने चाहिए. वो दो गेमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा. वो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से नेक्स्ट जनरेशन आगे कंटिन्यू होती है. सो थ्री बेसिक स्टेप इज गेमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. अब ये तीनों स्टेप नहीं होते बैक्टीरिया में, ठीक है. सो देर इज नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है? द एंड प्रोडक्ट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएशन. कुछ नया जेनेटिक कंपोनेंट चाहिए, एलील चाहिए, कुछ वेरिएशन चाहिए. ये करने के लिए बैक्टीरिया ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करेगा. ये ऐसे थोड़ी है कि बैठा ही हुआ है. सो इट हैज डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिक वेरिएशन, जिसके एग्जाम्पल्स हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन. देर इज ऑल्सो देर इज ट्रांसलोकेशन, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है. है तो ये भी तीनों नहीं, लेकिन आते रहते हैं टर्म बार बार, तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं. फर्स्ट वील टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट है वो क्लास 12th में डिटेल में है, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के नाम से, ठीक है. जिस्ट क्या है उसका? वो ये कहना चाह रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो एनवायरमेंट में से डीएनए उठा सकता है, ठीक है. ऐसा आप नहीं कर सकते, कोई यूकैरियोट नहीं कर सकता, कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा. आपके हाथ पे अगर डीएनए है तो आपके हाथ के सेल के अंदर अपने आप से नहीं चले जाने वाला है वो, ठीक है. ना ही आपका सेल उसको एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज द लेयर और द मेम्ब्रेन दैट वी हैव डजंट अलाउ इट. एंड सेकेंड, देर इज नो मैकेनिज्म टू टेक अप डीएनए. डीएनए कोई छोटा मोटा चलता फिरता सोडियम का आयन नहीं है, अच्छा खासा बड़ा मॉलिक्यूल है डीएनए, ठीक है. सो उसको अंदर ट्रांसफर करने के लिए एक एबिलिटी होनी चाहिए सेल की, ठीक है. द एबिलिटी टू टेक अप डीएनए फ्रॉम द एनवायरमेंट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी, ठीक है. क्या बोला हमने उसको? कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी बैक्टीरिया की कैपेसिटी है एनवायरमेंट में से डीएनए उठाने की. और अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया. इजी. एनवायरमेंट से अगर डीएनए आ रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और वहां पे कहीं वो डिसाइड करता है कि हाँ ये तो अच्छा पार्ट है डीएनए का, इसको मैं यूज कर लेता हूँ, और अपने पास जो पार्ट है उसको फेंक देता हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस. एंड ऑब्वियसली देर इज मोर डिटेल टू इट. वो आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ोगे, मैंने क्लास में बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो यू कैन डू दैट. बट इन जनरल अगर एनवायरमेंट से डीएनए उठाया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन. यहीं पे अगर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से मदद मांग ले कि यार थोड़ा जेनेटिक मटेरियल दे दे, ठीक है, तो वहां आ जाता है कॉन्जुगेशन. बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ट्रांसफर हो रहा है. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर आर टू स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के लेवल पे स्पीशीज डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है. बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो क्लासिफिकेशन वैसी नहीं है जितनी हमारी जैसे हाई ऑर्गेनिजम्स में है. बट हाँ, हम कहते हैं कि देर आर टू ऑपोजिट स्ट्रेन्स डिपेंडिंग ऑन कि कौन से वाले बैक्टीरिया के पास. एक बैक्टीरिया ये, दूसरा बैक्टीरिया ये. इस बैक्टीरिया के पास एफ जीन नहीं है, दैट मीन्स इसके पास फर्टिलिटी का जीन नहीं है. इस बैक्टीरिया के पास फर्टिलिटी का जीन है, ठीक है. जिस बैक्टीरिया के पास फर्टिलिटी जीन होता है, एफ जीन होता है, वो यूजुअली उसके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पे होता है, जेनेटिक मटेरियल पे होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड. एक ऐसा प्लाज्मिड जो एफ जीन कैरी करता है इज कॉल्ड एज एफ प्लाज्मिड. अगर इस बैक्टीरिया में वो एफ प्लाज्मिड है तो ये फर्टाइल बैक्टीरिया है, ये पाइलस बना सकता है, ठीक है. इट कैन फॉर्म अ पाइलस विच इज कॉल्ड एज सेक्स पाइलस. वो पाइलस एक ट्यूब जैसे है जो दूसरे बैक्टीरिया जिसके पास ये एफ प्लाज्मिड नहीं था ये उस पर कनेक्ट हो जाएगा. अब जो ये ट्यूब बन गया बीच में, इसके थ्रू एफ प्लाज्मिड की कॉपी, रिमेंबर कॉपी, अपने पास से ऐसा नहीं है कि अपना सारा तामझाम दे दे, घर अपना बेच के दूसरे का घर बसा रहे, ऐसा नहीं हो रहा है.
एक्स्ट्रा सामान दिया जाएगा ना, तो वो अपने एफ प्लाज्मिड की कॉपी बनाता है और पाइलस के थ्रू, सेक्स पाइलस के थ्रू या कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू उसको ट्रांसफर करता है टू अ बैक्टीरिया विच डिड नॉट अर्लियर हैड दिस एफ प्लाज्मिड. ना एक बार ये ट्रांसफर हो गया, वो जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया था जिसके पास कोई एफ प्लाज्मिड नहीं था इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एफ पॉजिटिव. मतलब अब उसके पास कैपेसिटी आ गई कि अब वो भी सेक्स पाइलस बना सकता है, वो भी कॉन्जुगेशन ट्यूब बना सकता है और ये जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर कर सकता है. सो दिस इज कॉन्जुगेशन व्हेन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया बाय फॉर्मेशन ऑफ अ सेक्स पाइलस. थर्ड थर्ड इज ट्रांसडक्शन. अब यहाँ पे हम एक ऐसी चीज की मदद लेते हैं जो यूजुअली खास मदद के लिए जानी नहीं जाती, एंड दैट इज वायरस. सो बैक्टीरिया यूजेस बैक्टीरियोफाज टू डिलीवर डीएनए. ठीक है, डीएनए को ट्रांसफर कराने के लिए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वो वायरस का इस्तेमाल करता है, एंड दैट इज बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज क्या करता है, नॉक नॉक, हेलो कोई है, एंट्री मार जाता है बैक्टीरियल सेल में. ठीक है, अंदर जाता है, अपनी कॉपी बनाता है, अपने बॉडी पार्ट्स को रेप्लिकेट कराता है, हेड टेल फाइबर सब बनवाता है, फिर पैकिंग स्टार्ट करता है अपने जेनेटिक मटेरियल की. पैक करते टाइम वो अपने जेनेटिक मटेरियल के अलावा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी पैक कर सकता है. इसका एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी दिया था कि इमेजिन करो तुम्हारे घर में कोई रहने आ रहा है और पहले तो कुछ दिन बहुत अच्छे से बात करी आपसे, अरे बहुत अच्छी बात है ये करके बात बात करके बढ़िया घर में रहे, लेकिन जाते टाइम तुम्हारे घर में तुम्हारे जूते उठा ले गया, क्या कोई सामान चुरा ले गया, अपना दो चार सामान छोड़ भी जाए चाहे, लेकिन तुम्हारा सामान ले गया. ठीक है, अब वही आदमी जब दूसरे घर में जा रहा है तो नॉक नॉक, हाय देखो मैं तुम्हारे लिए नए नए जूते लाया हूं करके सामने वाले को गिफ्ट कर दिया. ठीक है, ये देखो इतना सुंदर वास था, इतना सुंदर ये शोपीस था, ये मैं वहां से उठा के लाया. उसको क्या पता सामने वाले को उठा के लेके आ रहा है, चोरी करके ला रहा है. तो इसने पिछले वाले से बाहर निकलते टाइम सेल को बर्स्ट किया, पिछला बैक्टीरियल सेल बर्स्ट किया, उसके जेनेटिक मटेरियल का छोटा मोटा पार्ट अपने पास रख लिया ताकि उसको अगले वाले को ऑफर कर सके. नाउ पीछे से जब इसने उठा के आगे ट्रांसफर किया तो अब अगला बैक्टीरिया, उसके पास दो ऑप्शन है. ठीक है, वो बोले यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, तो आने भी दे रहा है, उस नए जेनेटिक मटेरियल को यूज भी कर रहा है. बोला कि हाँ बढ़िया, मैं अपना वाला पुराना वाला वास फेंक देता हूँ, ये नया वाला अच्छा है, पुराना फेंक दिया नया लगा दिया, हैप्पी ट्रांसडक्शन. ठीक है, सो न्यू बैक्टीरिया इज हैप्पी विद द न्यू जीन, एक्सेप्ट द जीन. लेकिन समटाइम्स द बैक्टीरिया इज वेरी स्मार्ट. बोले ये जो आदमी है ना, ये झोलबाज आदमी है, ये हर बार आता है कुछ नया सामान लाता है, लेकिन वो नया लगता नहीं है, यूज्ड सा लगता है, ये कहीं से चुरा के ला रहा है. ठीक है, तो इट इज पॉसिबल क्योंकि वायरस के थ्रू आ रहा है तो वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी और उसके साथ आने वाला जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सबको डिग्रेड कर देता है और वहीं पे अबॉर्ट कर देता है ट्रांसडक्शन. मतलब मुझे नहीं चाहिए, तुम इतने अनरिलायबल सोर्स हो कि तुमसे आने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी जेनेटिक मटेरियल मुझे नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि वायरस सिर्फ वहां आके उसकी मदद नहीं करने आया है, कल को फिर से वही होगा कि वो एक रेप्लिकेशन के लिए जाएगा, अपने बॉडी पार्ट्स वापस बनवाएगा, अपना पैकिंग कराएगा, फिर इस सेल को फाड़ के ब्रूम चला जाएगा. तो इट काइंड ऑफ नोज द पैटर्न. सो सम बैक्टीरिया आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर बिकॉज सर्वाइव तो कर रहे हैं ना, तो वो एवोल्यूशनरी एक एडवांटेज होता है, कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है, कोई नहीं कर पाता है. सो इट इज समवेयर इन द मिडिल. सो जस्ट टू समराइज ऑल थ्री ऑफ दैम, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन. ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने दिया, जहां पे एनवायरमेंट से डीएनए या जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया उठाता है. सो न्यू वेरिएशन इज कमिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट, जहां पे कि किसी और प्रीवियस एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया का वो डीएनए हो सकता है. सेकेंड कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्जुगेशन ट्यूब और अ सेक्स पाइलस. थर्ड इज ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद इन और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरियाज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज, दैट इज वायरस. ठीक है, साइंटिस्ट के नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको बताया ग्रिफिथ, ऐसे कॉन्जुगेशन के लिए आपके पास है लेडरबर्ग एंड टेटम, एंड इन ट्रांसडक्शन यू हैव जिंडर एंड लेडरबर्ग. सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स दैट यू कैन रिमेम्बर, कहीं कभी कभी आ गया तो आ गया, वरना आई डोंट थिंक इस पे बहुत टाइम से कहीं कोई क्वेश्चन आया है. ठीक है, जस्ट अ ब्रीफ
कोई कॉन्सेप्ट लिख के पूरा बढ़िया एग्जाम ड्राइंग के साथ भी कभी बताएंगे, ठीक है? थोड़ा टाइम मिल जाए फिर आई विल अपलोड दीज डायग्राम्स एंड एवरीथिंग एज वेल. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. रिटन कॉन्टेंट भी बहुत सारा आएगा, बट उस रिटन कॉन्टेंट को भी उतना ही प्यार देने की जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वो लिखती हूँ. इफ आई एम फॉर्मिंग लाइक आई एम मेकिंग अ 5 मिनट और 10 मिनट रिटन कॉन्टेक्स्ट का वीडियो, तो उसको बनाने में मेरे को 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, ठीक है? आई इंक्रीज द स्पीड, आई कट आउट सम सेगमेंट्स जहाँ गलतियाँ हो गई, वो एडिट वेडिट करके वो 5-6 मिनट का मैं बनाती हूँ ताकि आप लोग देख लो. और फिर भी तुम नहीं देखते हो, पूरा पूरा चैप्टर 6 मिनट में रिवाइज कराया हुआ है, फिर भी नहीं देखते हो. बट तो उसको उसको उतना एडवांटेज, उसको थोड़ा उतना पसंद करो और उसको उतना उसके व्यूज हो कि मैं और वो कंटेंट बना सकूँ. इफ यू लाइक इट, अदरवाइज दीज वीडियोज आर फाइन. छोटे कॉन्सेप्ट कवर कर देते हैं और आई थिंक कहीं ना कहीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करके आपका चैप्टर बिल्डअप होता है. तो इवन इफ यू आर कवरिंग लाइक दिस, इट्स नॉट एन इशू. हम लोग बिल्कुल बिंदास कवर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऐसे, क्योंकि वही है ना कि एक बारी में हजम भी नहीं होता, 2 घंटे बैठने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए. तो 2 घंटे बैठते तो हो लेकिन कुछ दिमाग यहाँ जा रहा है, तो इससे बेटर है कि 6 मिनट 10 मिनट में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करके आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड बेसिक्स क्लियर होते जाएँ, ताकि आप फिर उस पर अपना पूरा चैप्टर बिल्डअप कर सको. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.